गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपड़ा, सहाचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन रेखाएं किस प्रकार से निकाली जाती है, प्रतिगमन समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तब हमने देखा था कि सामान्य रूप से प्रतिगमन रेखाएं दो होती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। जब हमें y का मूल्य ज्ञात हो, x का मूल्य अज्ञात हो, तो हमको x on y समीकरण ज्ञात करना होता है। और अगर हमको x की वैल्यू पता हो, y की वैल्यू नहीं पता हो, तो हमें y on x निकालना पड़ता है। हाँ, जैसा कि हमने पहले उसमें क्लियर कहा था कि जो चीज अज्ञात हो उसको आगे रखनी है और जो चीज ज्ञात हो उसको पीछे रखनी है, या हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र चर है उसको पीछे रखना है और जो आश्रित चर है उसको आगे रखना है। जैसे हमको y की वैल्यू पता है और x का पता करना है, इसका मतलब y एक स्वतंत्र चर है और x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो x आश्रित चर है। तो हमने वहां देखिए दो प्रकार की प्रतिगमन समीकरण निकाली थी, एक निकाली थी x ऑन y और दूसरी हमने निकाली थी y ऑन x। इसके लिए हमने फॉर्मूला दिया था x माइनस एक्स बार बराबर आर स्टेंडेशन एक्स बट स्टेंडेशन वाई वाई माइनस वाई बार। इसका फॉर्मूला अपने बनाया था y माइनस वाई बार आर स्टेंडेशन y आगे है इसलिए ऊपर आएगा, स्टेंडेशन x नीचे, x माइनस x बार। तो हमने इसको लिखा था x माइनस x बार बराबर बी एक्स वाई y माइनस y बार, और इसको लिखा था y माइनस y बार b पहले y है बाद में x है, x माइनस x बार। ये हमने पहले डिस्कस किया। इसका मतलब है हमारा बी एक्स वाई बराबर है आर गुना स्टेंडेशन एक्स बटे स्टेंडेशन वाई। अब देखिए, हम जब इसका आकलन करते हैं तो पहले हमको कोरिलेशन निकालना पड़ता है, उसके बाद हमको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालना पड़ता है, स्टेंडेशन वाई निकालना पड़ता है, एक्स का समांतर माध्य निकालना पड़ता है, वाई श्रेणी का समांतर माध्य निकालना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, तो सवाल करने में हमको दिक्कत आती है। अगर ये सब चीज पहले से दे रखी है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये सब चीज आपको दी हुई है, तब आपको x on y और y on x समीकरण निकालना है, वो तो हमारे लिए सरल कार्य है। पर अगर जब ये नहीं दिया हुआ हो तब हमको इनको निकालने में दिक्कत आती है। तो हम यहां ये देखेंगे कि प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं और बी वाई एक्स को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ताकि हमको केवल दोनों का समांतर माध्य और बी एक्स वाई हो तो हम एक्स वन वाई समीकरण निकाल दें, और अगर दोनों का समांतर माध्य और बी वाई एक्स अगर हम डायरेक्ट निकाल लें तो हम प्रतिगमन समीकरण वाई वन एक्स निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए बी एक्स वाई का मान है आर गुना स्टेंडेशन एक्स अपॉन स्टेंडेशन वाई। अब आप देखिए जो आर का मान है, आर का मान अगर हम डायरेक्ट मेथड से लिखते हैं तो आता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना स्टेंडेशन एक्स स्टेंडेशन वाई। ये हमने आर का मान निकालना सीखा। और स्टेंडेशन एक्स का मान हमारे होता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे एन, और स्टेंडेशन वाई का मान होता है सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटे एन। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी एक्स वाई का डायरेक्ट मान कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए बी एक्स वाई बराबर है आर गुना स्टेंडेशन एक्स बटे स्टेंडेशन वाई। बी एक्स वाई आर का मान हमने लिखा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना स्टेंडेशन एक्स गुना स्टेंडेशन वाई। स्टेंडेशन एक्स का मान है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे एन, और इसका मान है सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटे एन। ये अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट है। तो हम लिखेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। हाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें हमको चेंज करने हैं, थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टेंडेशन एक्स बटे स्टेंडेशन वाई, तो स्टेंडेशन एक्स से स्टेंडेशन एक्स कर लिए, तो हमारे पास हो गया सॉरी स्टेंडेशन वाई का स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे देखिए बी एक्स वाई बराबर हो गया सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ये स्टेंडेशन वाई का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन, क्योंकि स्टेंडेशन वाई होता है सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन, तो स्टेंडेशन वाई का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। अंडर रूट हट जाएगा, इस एन से एन कटा, तो डायरेक्ट अगर हम बी एक्स वाई निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। ये डायरेक्ट
हम निकाल सकते हैं। हम यानी वी एक्स वाई निकालने के लिए हमको पहले आर चाहिए होता था, एक्सटेंडेशन एक्स चाहिए होता था, एक्सटेंडेशन वाई चाहिए होता था, ये सब चीज नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट इसी मेथड से निकाल सकते हैं। एक बार और करके बताता हूं, मैं एक्सटेंडेशन वाई एक्स निकालूंगा तो आपको एक बार और वापस ये सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब देखिए एक्सटेंडेशन वाई बी वाई एक्स क्या होता है, उसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो एक बार आप वापस समझेंगे। बी वाई एक्स के लिए निकालते आर, एक्सटेंडेशन वाई ऊपर, एक्सटेंडेशन एक्स नीचे, ओके। अब आप देखिए आर का मान होता है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना एक्सटेंडेशन एक्स गुना एक्सटेंडेशन वाई, ओके okay। और एक्सटेंडेशन एक्स का मान होता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे एन, और एक्सटेंडेशन वाई का मान होता है सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। हम यहां रखेंगे बी वाई एक्स, आर का मान रखा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना एक्सटेंडेशन एक्स गुना एक्सटेंडेशन वाई, और यहां एक्सटेंडेशन वाई डिवाइडेड एक्सटेंडेशन एक्स, एक्सटेंडेशन वाई से एक्सटेंडेशन वाई कट गया, तो बी वाई एक्स हुआ सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना एक्सटेंडेशन एक्स का स्क्वायर, और यहां देखिए एक्सटेंडेशन एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहां हम इसका मान लिखते हैं तो आएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन गुना एक्सटेंडेशन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कट गया तो आएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ये आपका मान आएगा बी एक्स वाई का। तो यहां देखिए अब हम यहां लिख सकते हैं कि बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स, सॉरी ये बी वाई एक्स का मान है, बी एक्स वाई का मान हो गया सिग्मा डी एक्स डी वाई, वाई पीछे है तो यहां लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई, और बी वाई एक्स डायरेक्ट निकालना है तो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स पीछे है तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ये दोनों मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात देखिए, ये हमने जो किया था वो किया था प्रत्यक्ष रीति से, यानी यहां हमारा dx जो था वो x माइनस एक्स बार है और dy है y माइनस वाई बार, पर अगर हम एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं तो बी एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एक्स वाई बराबर n गुना सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई, कोरिलेशन में ऊपर का होता है वैसा का वैसा ही। अब देखिए हम वाई नीचे है तो यहां लिखेंगे एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बी वाई एक्स निकालना है तो बी वाई एक्स के लिए आप क्या करेंगे, बी वाई एक्स निकालने के लिए वो का वही ऊपर का वही एन गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, ऊपर वाला होगा वही है। अब ये एक्स पीछे है तो हम लिखेंगे एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रत्यक्ष लिया है इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले है प्रत्यक्ष समांतर माध्य से विचलन, और ये दोनों जो हैं ये है कल्पित समांतर माध्य से विचलन। देखिए एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को हम हल करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हम प्रतिगमन के x ऑन y और y ऑन प्रतिगमन समीकरण के लिए डायरेक्ट ही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हैं और उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल लेता हूं, मान लीजिए सवाल लिया हमने पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई के मध्य जो सहसंबंध है उसके बारे में मैंने एक सवाल लिया, पिता की ऊंचाई x, मैंने क्वेश्चन लिया पिता की ऊंचाई इंच में ली, इसको आप एक्स सीरीज बोल सकते हैं, पिता की ऊंचाई, पिता की ऊंचाई है 65, 66, 67, फिर 67, 68, 69, 71 और 73, ये हाइट ऑफ फादर। अब हम यहां लेंगे एज्यूमेड से यहां लेंगे डीएक्स,
और डी स्क्वायर एक्स। अब पुत्र की आयु, पुत्र की ऊंचाई को हमने लिया वाई सीरीज। क्या पुत्र की ऊंचाई जो ली है, पिता 65 इंच का है, उसका पुत्र है 67 इंच का, 66 वाले का है 68, 67 वाले का 64, फिर 68, इसके बाद में 72, 67, 68, 64, 72, उसके बाद में है 70, इसके बाद में 69 और 70। दो, इसमें हमने दो सीरीज ली, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। पिता की हाइट लिए 65 इंच, 8 पिताओं को हमने लिया है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सीरियल नंबर है। 8 पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई को हमने लिया है, तो यहां हमने लेना है डी वाई और डी स्क्वायर वाई और चाहिए डी एक्स डी वाई। तो देखिए, एज्यूम मीन हमने मान लिया 67 से विचलन, तो यहां dx क्या होगा, x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x, 67 अरबे से घटाएंगे, तो हमने इसमें से 67 घटाया तो माइनस का 2 आया, यहां माइनस का 1 आया, यहां 0 आया, 67 से 67 0, 68 से 67 1, ये 2, ये 4 और ये 6, तो 3 और 3 गया तो प्लस का 10 आया, तो ये आया सिग्मा dx 10 10 आया। स्क्वायर करेंगे 4 1 0 0 1 4 16 36 40 56 56 57 58 58, ये 62, तो आया सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आया 62। ओके, अब हमने इसमें मान लीजिए एज्यूम मीन ऑफ वाई 68 से विचलन, हमने 68 को लिया तो यह आएगा y माइनस एज्यूम मीन ऑफ y, तो 67 है, 67 से 68 गया माइनस 1 0, 64 से 68 गया माइनस का 4 0, प्लस का 4, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, 4 से 4 गया, 1 से 1 गया, तो प्लस का 4 बच गया, क्या बच गया, प्लस का 4, तो सिग्मा डी वाई का मान आया प्लस का 4। ओके, स्क्वायर किया 1 0 4 4 16, 0 फिर इसका वर्ग, फिर वर्ग, फिर वर्ग, फिर वर्ग, तो आया 16 42, तो आया सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 42। अब डी एक्स डी वाई, 2 बन जा प्लस का 2, 0 से मल्टीप्लाई है 0, 0 और माइनस 4 0, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 से 4, 2 का 2 से 4, 4 का 1 से 4, 6 2 जा 12, तो 12 और 12 24, 26 प्लस का 26, तो ये आया सिग्मा डी एक्स डी वाई प्लस का 26, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए ये वैल्यूज आ गई तो हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं, इसको समझने की बात है हमको कि इसको किस प्रकार से x on y और y on x समीकरण निकालने में यूज करना है। तो सबसे पहले हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान निकालेंगे, जैसा कि हम पहले से सूत्र हमने निकाला है, वो सूत्र है बी एक्स वाई बराबर एन गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, पीछे वाई है एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा। तो एन का मान 8, सिग्मा डी एक्स डी वाई 26, माइनस सिग्मा डी एक्स का मान 10, सिग्मा डी वाई का मान 4, डिवाइडेड बाई 8, सिग्मा डी स्क्वायर वाई 42 दे रखा है, माइनस सिग्मा डी वाई 4 का स्क्वायर, तो यह आएगा 8 गुना 26 208 माइनस 104 6 36 16,
तो 104 इसमें से जाएंगे तो आएगा 168320.525। तो हमारा ये मान हो गया बी एक्स वाई का मान हो गया 0.525। बी वाई एक्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा एन गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई। अब यहां एक्स है तो आएगा एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। मान रखेंगे 8 × 26 गुणा 10 गुणा 4, ऊपर वाली संख्या वही आएगी, एन का मान 8, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज 62, सिग्मा डी एक्स 10 का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर वाली संख्या वही 208 − 104। ओके, अब यह है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिखना है, एक्स ही लिखा है तो 8 × 16 = 149 − 100, तो ये आ गया 168/396 बराबर 0.424। तो बी वाई एक्स हो गया 0.424। तो ये देखिए, हमने इससे बी एक्स वाई निकाला और इससे बी वाई एक्स निकाला। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली हमने मान निकाल लिए। इस फॉर्मूले का एक मॉडिफाइड फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, हम अगर कुछ भी नहीं करें तो डायरेक्ट हम बी एक्स वाई इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, एन गुणा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुणा सिग्मा वाई। आप कोई डिविजन नहीं निकालें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एन गुणा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस या वाई आएगा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और इसी का मॉडिफाइड अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो वो मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा एन गुणा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुणा सिग्मा वाई अपॉन एन गुणा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये बी वाई एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के डायरेक्ट फॉर्मूले से मान निकाल लिए। अब हमको एक्स बार और वाई बार और चाहिए बस, तो हम एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दोनों संप्रतिगमन समीकरण निकाल लेंगे। तो एक्स बार बराबर होता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, एज्यूम मीन हमने 67 को माना था, डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 8, तो 67.25। तो यह गया एक्स बार। वाई बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन, एज्यूम मीन हमने यहां 68 को माना था, 4/8 दैट इज 68.5। तो y बार आ गया आपका 68.5। ये x बार और y बार कल्पित माध्य रीति से हमने पहले निकालना सीखा था जबकि हमने समांतर माध्य को पढ़ा था। अब देखिए x on y समीकरण निकालना है, तो x on y समीकरण जो है वो था x माइनस x बार बराबर बी एक्स वाई y माइनस y बार। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, x माइनस x बार का मान 67.25 बराबर 0.525 y माइनस 68.5। ये हमने x ऑन y का बी एक्स वाई का मान ये लिख दिया 5.25, x बार का मान ये रहा, y बार का मान ये रहा, तो आया x माइनस 67.25 बराबर 0.525 y, और 0.525 को 68.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39.9625 माइनस का 39.9625। तो हम लिखेंगे x बराबर 0.525 y माइनस 39.9625, और इधर से आएगा 67.25 माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया, तो x on y समीकरण हो गया 0.525 y प्लस 32.29, ये हमारा x on y समीकरण। इसी प्रकार से y on x समीकरण जो होगा वो होगा y माइनस y बार b पहले y बाद में x, x माइनस x बार, तो y माइनस y बार का मान 68.5, b y x 0.424, x माइनस x बार का मान 67.25।
तो ये हो जाएगा y माइनस 68.5 बराबर 0.424 x माइनस 0.424 को गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.938 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 0.424 x माइनस 28.938 प्लस 68.5 ये माइनस का था, इधर आकर क्या हो गया प्लस का हो गया। तो यहां देखिए y बराबर 0.424 प्लस 39.56 ये आपका y on x समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से x on y और y on x समीकरण हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसमें हम प्रतिगमन गुणांकों का परिगणन करेंगे उसके बाद डायरेक्ट x on y और y on x समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमको अगर कुछ दे रखा है, सपोज कीजिए हमको दे रखा है कि पिता की आयु 67.5 हो, क्या कह रहे हैं यदि x बराबर 67.5 है तो y क्या होगा ये पूछ लिया मान। तो देखिए यहां x लिखना पड़ेगा, तो देखिए y बराबर 0.424 x का मान अपने को दे रखा है 67.5 प्लस 39.56 तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 68.2। इस प्रकार से एक वैल्यू ज्ञात हो तो दूसरी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैलकुलेशन रेग्रेशन कॉफिशियंट्स को किस प्रकार से डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। पुराना जो हमने मेथड था उसमें हमको सहसंबंध का मान भी चाहिए था, प्रतिगमन गुणांक ऑफ एक्स भी चाहिए था, प्रतिगमन गुणांक ऑफ वाई भी चाहिए था, एक्स बार भी चाहिए था, वाई बार भी चाहिए था, जबकि इस मेथड में हम डायरेक्टली ही एक्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालकर दोनों प्रतिगमन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं आप इसको इस वीडियो को आप एक बार में पूरा अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो तो एक दो बार आप मेरे साथ इसको कॉपी पेन लेकर करेंगे तो 101% आपको ये करना आ जाएगा। आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। थैंक यू।